हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल्स। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया है सीजलर और है मिक्स सीजलर चाइनीज का मैनुअल में लेके आया मैंने। एक सुपर सा डिशेज है, स्पाइसी एंड चटपटा जो होता है चटपटे से उसे। चलो आपको उसके साथ थोड़ा शेयर कर देते हैं कैसे मैनुअल किया उसको। इसके बाद मैं इसकी जो रेसिपी मैं आपको साथ शेयर करूँगा। चलो फिर इसका प्लेटिंग दिखाया जाए कैसे प्लेटिंग बनता है। मैं सीजलर का तवा ज़्यादा गर्म करके रखा था, उसका बाद में जो कैबिज का पत्ता होता है उसको मैं साइड निकल के सेट करके रखा था। उसके बाद में नूडल्स स्पाइसी करके थोड़ा सा चिल्ली गार्लिक नूडल्स में बनाया था, बनाकर उसको मिडिल्स को रखा था। उसके बाद में चाइनीज मैरिनेशन जो किया था चिल्ली स्टाइल में, वो है पनीर, मशरूम, बेबी कॉर्न, पाइनएप्पल, तो वो चिल्ली स्टाइल में बना था। उसके बाद में यूज़ किया था पोटैटो और पोटैटो स्माइल। आपको ऐसे सॉटेबल्स भी यूज़ कर सकते हो, सॉटेबल एक्चुअली क्वान्टिटी यूज़ होता है। अगर आप चाहिए तो घर में बनाना है तो सॉटेबल आप यूज़ कर सकते हो। काफ़ी मज़ेदार चीज़ है जी सीजलर है, आप लोग घर पर एक बार ज़रूर बना के ट्राई करिए और बना के मुझे कमेंट्स करके बताइए कैसा लगा और टेस्ट कैसा है। और इसका फुल रेसिपी अगर जानना है तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो में आपका इसका फुल रेसिपी बन जाएगा। तो मुझे फॉलो करिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए तो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। तो बटर का जो टूप मैंने इसी डाला है क्योंकि उसको धुआं निकालने के लिए, धुआं ऑब्वियसली जरूरी, होटल इंडस्ट्री में धुआं बहुत ज़रूरी है। तो बटर और शुगर से मैंने उसको बॉल बना के तो ताक ऊपर बढ़कर